आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर शल्य तंत्र विभाग चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान नजफगढ़ में कार्यरत हूँ। NIOS के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय रक्त मोक्षण है, जिसे हम ब्लड लेटिंग कहते हैं। इसके बारे में सामान्य बात की, रक्त मोक्षण का अर्थ है शरीर से रक्त का मात्रावत शस्त्र या अनुशस्त्र द्वारा निकालना। इस दो शब्दों से बना है, एक रक्त, दूसरा मोक्षण। रक्त मींस ब्लड एंड मोक्षण मींस टू लेट आउट। दैट इसका मतलब हुआ कि रक्त का शरीर से मात्रावत बाहर निकालना रक्त मोक्षण है। रक्त मोक्षण एक पंचकर्म एवं अनुशल्य क्रिया है, जिसका चिकित्सा के लिए रोगी के शरीर में रक्त का निर्हरण किया जाता है। रक्त मोक्षण के प्रकार, रक्त मोक्षण मुख्यतः पांच प्रकार का होता है, प्रच्छान, शिराभेद, जलवकावचरण, श्रृंगावचरण और अलाबुअवचरण। घटी यंत्र अलाबुअवचरण का ही एक रूप है। रक्त मोक्षण का वर्गीकरण, इसको कई तरीके से विभाजित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे रक्त के स्थान के अनुसार, रक्त का विशिष्ट स्थान पर रुके होने से या ग्रथित रक्त होने पर हम प्रच्छान द्वारा रक्त निर्हरण करते हैं। जलौका गूढ़ रक्त का निर्हरण करती है, श्रृंग और अलाबु त्वचा में दूषित रक्त का निर्हरण करती है, और यदि संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त है तो उसे हम शिराभेद द्वारा निर्हरण करते हैं। दूसरी विधि है रोगी के बलाबल के अनुसार रक्त मोक्षण का वर्गीकरण, जिसमें कुछ परम सुकुमार हैं, रोगी हैं जिनमें हम जलौका से रक्त मोक्षण करते हैं। कुछ सुकुमार रोगी हैं जिसमें हम श्रृंग या अलाबु द्वारा रक्त मोक्षण करते हैं, और जो बलवान हैं या जिनमें थोड़ा कष्ट सहने की क्षमता है उनमें हम प्रच्छान और शिराभेद से रक्त मोक्षण करते हैं। तीसरा है दोष की अवस्था के अनुसार, यदि वात से दूषित रक्त है तो श्रृंग, यदि पित्त से दूषित रक्त है तो जलौका, और यदि कफ से दूषित रक्त है तो अलाबु का रक्त मोक्षार्थ प्रयोग किया जाता है। रक्त मोक्षण कर्म का प्रयोग, जैसे कुछ प्रमुख रोगों में रक्त मोक्षण का प्रयोग किया जाता है, जैसे त्वचा के रोग, ग्रंथि, रक्तज रोगों में, रक्त स्कंदन संबंधित रोगों में, सोफ रोगों में जैसे व्रण का शोथ, एब्सेस, सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, या बहुत सारे पित्तज रोगों, अन्य उदाहरण के तौर पर जैसे विचर्चिका, कुष्ठ, ददरु, सिरा, धमनी, लसिका इत्यादि जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हैं उनसे संबंधित रोगों में रक्त मोक्षण का इंडिकेशन या प्रयोग किया जाता है। रक्त मोक्षण की कर्म विधि, इस कर्म को करने के लिए तीन स्टेप्स हैं, पहला पूर्व कर्म, दूसरा प्रधान कर्म और तीसरा पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में रोगी की तैयारी, औषधियों की तैयारी और रोग के अनुसार तैयारी की जाती है, रोगी रोग और औषधियों का संपूर्ण, जैसे चिकित्सा विधि जो हम करने जा रहे हैं, जिस विधि को अपना रहे हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे देनी चाहिए, रोगी की सहमति ले लेनी चाहिए और एसेप्टिक प्रिकॉशंस का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। आतुर को रोगानुसार सुख अवस्था में लेटाकर रक्त मोक्षण करना चाहिए। प्रधान कर्म, शरीर में रक्त का मोक्षण करना मुख्य कर्म है, दैट इज मेन एक्शन, और इसका हम विशिष्ट कर्म के डिस्क्रिप्शन के समय बता देंगे। तीसरा पश्चात कर्म है, जिसे हम पोस्ट थेरेपी केयर या रक्त मोक्षण के बाद रोगी का क्या केयर करना है उसके लिए है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि रक्त मोक्षण के बाद वायु और अग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही वायु और अग्नि दोनों ही रक्त मोक्षण के बाद डिसबैलेंस हो जाते हैं। तीसरा, रोगी को आतप, धूप और मद्य सेवन, सिरा स्नान, यात्रा, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। रक्त मोक्षण के प्रकार, ये विशिष्ट प्रकार हैं जिसमें हमने पहले बताया है प्रच्छान, शिराभेद, जलौकावचरण, अलाबु और श्रृंग। उसी में पहला है प्रच्छान कर्म, जिसे हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। प्रच्छान का अर्थ होता है खुरचना, दूषित रक्त का, स्थानिक दूषित रक्त का खुरच कर निर्हरण करना प्रच्छान है। इसमें ब्रीही मुख शस्त्र या कुठारिका शस्त्र या सर्जिकल ब्लेड से हम खुरच कर रक्त का निर्हरण करते हैं। जैसे कि पहले फोटोग्राफ में दिख रहा है कुछ स्किन डिजीज हैं, लालिमा है, सूजन है, और उसको हम सर्जिकल ब्लेड से और बीपी हैंडल के सहारे खुरच कर बाहर निकालते हैं।
दूसरा प्रकार है शिराभेद या जिसे हम बेनी पंचर कहते हैं, इसका शल्य तंत्र में उतना ही इम्पोर्टेंस है जैसे काय चिकित्सा में बस्ती का, क्योंकि इसके द्वारा अनेक प्रकार की व्याधियों की चिकित्सा की जाती है। इसका एक उदाहरण है, जैसे किसी वृक्ष के त्वचा को या टहनी को काट दिया जाए या जड़ को थोड़ा काट दिया जाए तो सूख जाता है, वैसे अगर शरीर के से दूषित रक्त में रक्त को निकाल दिया जाए तो रोग खत्म हो जाता है। यदि कोई व्याधि समुचित चिकित्सा करने के बाद भी ठीक नहीं होती है तो उसे दूषित रक्तजन्य समझा जाता है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, और उसकी चिकित्सा शिराभेद से सफल रूप से की जाती है। शिराभेद का कुछ निषेध है, जैसे आंतरिक स्नेहन के तुरंत बाद, शोधन कर्म के बाद, गर्भिणी में, सूतिका रोगी में, नपुंसक, जीर्ण कामला, 16 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक वय वाले, रक्तस्राव अत्यधिक जिसमें हुआ हो, अत्यधिक स्नेहन वाले और बिना स्वेदन किए हुए रोगियों में शिराभेद नहीं करना चाहिए। शिराभेदन की प्रक्रिया, रोगी को जानू जितनी ऊंचाई के स्टूल पर बैठाया जाता है, उसके सिर को वस्त्र से आच्छादित किया जाता है, शिराभेद के स्थान के ऊपर वस्त्र बंधन करना चाहिए और सिरा जब उन्नत हो जाए, पहले तो इंडिकेशन करना है वो बेधन योग्य हो, फिर उसके बाद वो दिखाई देती हो, देखने के बाद वो थोड़ी उठी या उन्नत हो, फिर यंत्रित हो, बांधी हो, जिससे टर्निकोट से हम टाइट कर देते हैं, तब उसमें हम शिराभेदन का कर्म करते हैं। बेधन अत्यधिक गहरा व अत्यधिक सतही नहीं होना चाहिए और मर्म पर आघात नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम आएंगे। तीसरी विशिष्ट जो रक्तमोक्षण की विधि है वो जलौकाचरण, सबसे पॉपुलर या सबसे फेमस, सबसे प्रचलित और प्रभावकारी है, जिसे हम लीज थेरेपी के नाम से जानते हैं। आजकल बहुत सारे आयुर्वेदिक केंद्रों और चिकित्सा केंद्रों पर जलौकाचरण प्रमुख चिकित्सा के रूप में किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने जलौकाचरण का विस्तृत उल्लेख किया है। जलौका का प्रयोग त्वक रोगों में, स्पेशली पित्त दूषित रक्त की अवस्था में ग्रथित रक्त को निकालने के लिए भी किया जाता है, जैसे एक कुष्ठ, विचर्चिका, आमवात, सोरियासिस, एक्जिमा, संधिवात या गूढ़ सिरा ग्रंथि इत्यादि में जलौकाचरण प्रभावकारी है। जलौकाचरण ताजे जल में जो जलौका पाई जाती है, बेसिकली हिरुडिनेरिया मेडिसिनेलिस और हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा का चिकित्सालयों में चिकित्सकीय प्रयोग होता है। जलौका रक्तपान करती है तब वो व्रण में जटिल मिश्रण या कह सकते हैं अपना सलाइवा सेक्रेट करती है, जो उसको सर्कुलेशन में डालती है, और उसमें बहुत सारे बायोएक्टिव केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के रोगों को दूर करते हैं। उन सारे केमिकल्स में मुख्य रूप से हिरुडिन्स, जो कि सबसे प्रमुख एंटीकोगुलेंट्स है, जिससे रक्त पतला होता है और जो थक्का बनने वाली बीमारियाँ हैं सिरा और रक्त के स्राव या बहने की जो प्रक्रिया में रुकावट हो वो दूर होती है, कैलिन, ऐसे डीस्टेबिलेज, हिरुस्टासिन, बेडेलिन्स, ट्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ऐसे बहुत सारे घटक हैं जो उसमें पाए जाते हैं और अपना प्रमुख रोल निभाते हैं। जलौकाचरण विशेषता निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोगी है, वो पहले भी कुछ बताया है जो सामान्य रक्तमोक्षण के डिस्क्रिप्शन के समय, और अब है कि जैसे त्वचा के विकार में सोरियासिस, एक्जिमा, विटिलिगो और एलोपेसिया में, रूमेटोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या एसएलई में, वैस्कुलर स्पेक्ट्रम में जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, बर्जर डिजीज, हीमेटोमा, आर्थरोस्क्लेरोसिस और डायबिटीज, अल्सर्स, वीनस अल्सर इत्यादि में, कुछ हैं ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिजीजेज में जलौकाचरण विशेष रूप से जैसे कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा में किया जाता है, कुछ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और फाइब्रोमायल्जिया, ये प्रमुख रोग हैं, वैसे बहुत सारे परिस्थितियों जिनमें पित्तज दोष का इन्वॉल्व और रक्त दोष की दृष्टि है उसमें जलौकाचरण प्रमुखता से किया जाता है, जैसा कुछ फोटोग्राफ्स में मैंने बताया है। जलौकाचरण की विधि क्या है? जलौकाचरण में सर्वप्रथम वही पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म को हमें ध्यान में रखना है जो मैंने पहले बताया है, पूरे रक्तमोक्षण पर वो लागू होता है, और जलौका को एक छोटी ट्रे में लेकर सर्वप्रथम उसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा जल डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वो एक्टिव हो जाती हैं, फिर उन्हें गौच पीस से पकड़कर रुग्ण स्थान पर लगाते हैं, अगर वो स्वतः लग जाती है तो ठीक है, अदर नहीं तो उस पर नीडल से थोड़ा प्रिक करके रक्त बिंदु निकालते हैं और जिससे जलौका आसानी से वहाँ पकड़ लेती है, और यदि अब भी जलौका ना पकड़े तो उसको थोड़ा फिर से हरिद्रा जल में डालकर और दोबारा फिर से लगाते हैं तो लग जाती है। जैसा हमने फ़ोटो में बताया, पहले फ़ोटो में
उसकी थकान या जलौका को स्वच्छ करने के लिए या उसकी थकान दूर करने के लिए हरिद्रा मिश्रित जल में डाले हैं। दूसरा, हमने लगाने की विधि बताई है। जलौका जब एक बार एक जगह पर लग जाती है तो वह निश्चित आकार बनाती है, जिसे हम बोलते हैं अश्वखुरवद आननम, या जो है घोड़े के खुर के जैसा मुख बनाती है, और जैसे शिशु स्तनपान या दुग्धपान करता है ऐसे उसकी एक विशेष परिस्थिति बनाती है, और वो हम चित्र में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जलौका को जब वो रक्त चूसने लगती है तो उस समय गीले कपड़े की सहायता से ढक देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में पानी की कुछ बूंदें वहाँ डालते रहते हैं, जिससे उसे अपना अपना घरेलू या कह सकते हो जो जल का एटमॉस्फेयर उसे महसूस होता रहे और वो रक्त का शोषण लगातार सतत करती रहेगी। आमतौर पर जलौका आधे से एक घंटे में अधिकतम रक्त को चूस लेती है। तत्पश्चात जलौका अपने आप उस जगह से हट जाती है। यदि फिर भी वो नहीं हटती है तो आवश्यक है तो हल्दी, बेसिकली हल्दी ही डालते हैं, और हल्दी उसके मुख पर रखने से वो अपने आप वहाँ से हट जाती है। जब जलौका रक्त चूसना बंद कर दे तब उसे अलग कर हरिद्रा मिश्रित जल में या किडनी ट्रे या किसी पॉट्स में जो हरिद्रा मिश्रित जल में रख देते हैं। जलौका चूसे हुए रक्त की उल्टी कर देती है और उसका पूर्ण बमन हो जाता है। पूर्ण रक्त की उल्टी होने के बाद ही वो सक्रिय हो जाती है। इसके पश्चात उस जलौका को रख देते हैं, जो सप्ताह उपरांत उसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इस फोटोग्राफ्स में हमने जलौका को वॉमिटिंग करने की विधि को दिखाते हुए बताया है। जलौकाचरण के कुछ दुष्परिणाम हैं और उनकी चिकित्साएँ हैं। जैसे वैसे जलौकाचरण के कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन रक्तस्राव, खुजली होना और एक मामूली चींटी काटने जैसी हल्की सी पीड़ा होना ये मालूम पड़ सकता है रोगी को। वो रोगी पर निर्भर है कि उसकी सहनशक्ति कितनी है, कितना सेंसेशन ज़्यादा है या वो गंभीर बलवान है। रोगी के इस सब दुष्प्रभाव के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी दे देनी चाहिए और कभी भी उसके दंश स्थान को उससे बताना कि उसे रगड़ना नहीं है। इस स्थान पर स्थानिक शीतल द्रव्य जैसे सतधौदगृत, चंदन या हरिद्रा पाउडर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जलौकाचरण के तुरंत बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए कुछ मात्रा में हरिद्रा चूर्ण डालते हैं। हरिद्रा चूर्ण के अलावा अन्य जैसे स्फटिक पाउडर या जो है टंकड़ पाउडर का भी प्रयोग करते हैं, या मधुयष्टि चूर्ण को भी लगाने से रक्त रुक जाएगा। नमक का प्रयोग कभी भी जलौका को हटाने के लिए या बमन कराने के लिए नहीं किया जाता, अन्यथा जोंक की मृत्यु हो सकती है। जलौका को जलयुक्त, छिद्रयुक्त प्लास्टिक कंटेनर्स में रखे जाते हैं, जो कि जिसमें ताज़ा और स्वच्छ जल रहता है। ये जल हर तीसरे दिन बदल देना चाहिए, और जिससे उसको न्यूट्रिशंस या उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सही उसको मिलता रहे, अन्यथा लीच जोंक मर भी सकती है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण अलग विधि है उसे हम श्रृंगावचरण या टाइप का ब्लड लेटिंग या रक्तमोचन की विधि कहते हैं। इसका अर्थ है ब्लड लेटिंग बाई काउ हॉर्न। ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक बुक्स या संहिताओं में, सुश्रुत संहिता में स्पेशली अच्छे से वर्णित किया गया है। और श्रृंगावचरण गाय या भैंस के सिंग का प्रयोग दूषित रक्त के ग्रहण के लिए किया जाता है। पहले एक छोटा सा भेद लेते हैं जिसे प्रच्छान कहते हैं। छोटा प्रच्छान या निक लगाने के बाद कुछ देर रक्त को निकलने देते हैं, उसके बाद श्रृंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें उसके चौड़े मुख वाले पार्ट को रोगी के शरीर से और जो पतला मुख है उसको वैद्य मुख से खींचता है, जिससे रक्त का सक्शन होता है और जो अवगाढ़ या थोड़ा सा त्वचा में स्थित जो रक्त हैं वो बाहर आ जाते हैं और रक्त का मोचन हो जाता है। लेकिन आजकल इस टेक्निक, इस पुरानी चिकित्सा टेक्निक के अलावा एक नया टेक्निक खोजा जिसे हम कपिंग सेट कहते हैं, जो श्रृंगावचरण के ही सिद्धांत पर काम करती है। और ये कपिंग बेड कपिंग है जिसे हम रक्तमोचन में आजकल बहुत ऐसे प्रयोग करते हैं। जो दो फोटोग्राफ्स दिखे हैं उसमें पहले वाला प्राचीन काल में वर्णित श्रृंग का है, का फोटो है, जिसे हम रक्तमोचन के लिए एक टूल्स या श्रृंग यंत्र के रूप में यूज करते थे। आजकल ये कपिंग सेट आते हैं जो बड़े अच्छे से हर साइज के कप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रेशर सेक्शन क्रिएट करते हैं और आवश्यकता अनुसार रक्त का मोचन कर देते हैं। ऐसे ही अलाबू अवचरण है। अलाबू मीन्स लौकी, जिसमें इसका मध्यम आकार की लौकी या जो है बिटर गार्ड को उसके अंदर के जो गुदा या उसका मेन पार्ट है उसको हटा देते हैं, बाहर खोखले पार्ट को रखते हैं और उसको हम रक्तमोचन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने फोटोग्राफ में दिखाया, पहला फोटोग्राफ जो नीचे है उसमें तुम्बी या जल उसके बारे में दिखाया गया है, और दूसरा जो है कपिंग सेट आजकल जो हम बेड कपिंग के रूप में यूज करते हैं, कपिंग
सेट ग्लास मेड अप ऑफ ग्लासेस जो है वो दिखाए हैं। इसमें वैसे श्रृंग और अलाबू दोनों ही कपिंग सेट के सिद्धांत पर काम करते हैं। रक्तमोक्षण के सम्यक योग के लक्षण, शरीर में लघुता आना, वेदना शांति, व्याधि के वेग का क्षय हो जाना या व्याधि की जो स्ट्रेंथ या शक्ति है वो कम हो जाना, सब मन का प्रसन्न हो जाना, सुख की अनुभूति होना और कंडू, खुजली इत्यादि जो लक्षण हैं उनका कम हो जाना सम्यक रक्तमोक्षण के लक्षण हैं। संभावित दुष्प्रभाव एवं चिकित्सा, रक्त का अधिक स्राव हो जाना ये हो सकता है तो इसके लिए रक्त स्तंभन की चिकित्सा करते हैं। दूसरा, अग्निमंद या भूख न लगना तो अग्निसंदीपन औषधियाँ देते हैं। वात विकार है तो वात शांति के उपाय करते हैं। भय है तो मरीज को या रोगी को आश्वासन देते हैं। मूर्छा है तो सिर पर या शरीर पर शीतल जल का छिड़काव करते हैं। और ये संभावित दुष्प्रभाव बहुत सीरियस नहीं होते, फिर भी हम रक्तमोक्षण में चूँकि रक्त का निर्हरण करते हैं, रक्त को जीव कहा जाता है और जीव की या रक्त की हमेशा रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये शरीर का धारण करते हैं, तो कभी भी अति योग नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्यक योग में रक्तमोक्षण करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, रक्तमोक्षण एक पैरासर्जिकल प्रोसीडर है, अनुशल्य कर्म है और पंचकर्मा के अंतर्गत आता है, पहले भी बताया। शल्यतंत्र में रक्तमोक्षण उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना काय चिकित्सा में बस्ती, और शरीर में जो रोगों का प्रसार प्रचार है वो बेसिकली या मुख्य रूप से कह सकते हो वो रक्त के ही थ्रू होता है। अगर किसी कारण से रक्त दूषित हो गया तो वो संपूर्ण शरीर में रोग कर सकता है, और रक्त का अगर निर्हरण, दूषित रक्त का निर्हरण कर दिया जाए, चाहे वो प्रच्छान से, चाहे सिराबेस से, चाहे जलौका से, चाहे अलाबू से, चाहे श्रृंग से, तो हमारे शरीर के दूषित रक्त के निकल जाने से बहुत सारी व्याधियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी शरद ऋतु में रक्तमोक्षण स्वभाव से करना चाहिए, स्वतः करना चाहिए। और रक्तमोक्षण करने से त्वचा के विकार और कंडू, सोफ इत्यादि नहीं होंगे। इनके जो प्रचलित विधियाँ हैं वो प्रच्छान, सिराबेद, इनका एक पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं जो तो कौन से दोष कहाँ पे स्थित हैं, कैसा रोगी है और कैसा दोष इन्वॉल्व है, इनके आधार पर हम चयन करते हैं। और इन प्रोसीडर्स में हमको जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है वो ये रखना है कि रक्त को निर्हरण अति नहीं करना है, क्योंकि रक्त का जो मुख्य कार्य है वो है जो है ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई। अगर दोष ज़्यादा भी हैं फिर भी रक्त को इतना अधिक नहीं निकाल देना है कि जीवन संकट में आ जाए, वो हमें बचाना है। और थोड़ा बहुत जो शेष दोष बच भी जाएंगे उन्हें हम संसमन औषधियों से या ड्रग्स से हम ठीक कर लेंगे। और रक्तमोक्षण कर देने से रोगी का जो लाभ है वो तुरंत दिखता है, या ऐसा कह सकते हो कि आत्यायिक अवस्था में भी इसमें तुरंत लाभकारी है। इस शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि रक्तमोक्षण आपको समझ में आया होगा। रक्तमोक्षण में जो सावधानियां हैं वो ध्यान रखना है। एक चीज़ लास्ट जाते जाते कि चूँकि इसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है या रक्त का इन्वॉल्वमेंट, इसलिए हमेशा एसेप्टिक प्रिकॉशन जो निर्जीवाणुकरण का हमेशा ध्यान रखना है ताकि संक्रमण जन्य व्याधियां ना हो, और जो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट है उसके हिसाब से जो है ध्यान रखकर रक्तमोक्षण को करें, रोगी को लाभ दें, आप भी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्ते।